एक बार बोधिसत्व ने मछली के रूप में जन्म लिया। वे गांव के पास बने तालाब में बाकी मछलियों के साथ रहते थे। एक बार भयंकर सूखा पड़ा, नदी नाले सभी सूख गए, तालाब का पानी भी सूख गया। अपनी जान बचाने के लिए सभी मछलियाँ तालाब के कीचड़ में चली गई, लेकिन बारिश नहीं होने से तालाब का कीचड़ भी सूखने लगा। बहुत सी मछलियाँ मर गई। बोधिसत्व यह सब देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि ये सब मछलियाँ मर रही है, चारों ओर दुख ही दुख है, यह सब सहा नहीं जाता। मैं ही हूँ जो इन सबको इन दुखों से बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए चमत्कार की ज़रूरत है। बोधिसत्व बहुत ही भले थे, उन्होंने कभी किसी की जान नहीं ली। उन्होंने सोचा कि मैं वर्षा के देवता से जल बरसाने की प्रार्थना करूँगा, जिससे कि सबको दुखों से छुटकारा मिल जाए। वे तालाब के कीचड़ से बाहर निकले। तब मछली बने बोधिसत्व का रंग कोयल की तरह काला और आंखें लाल थी। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, मेरे मित्र वर्षा देवता, आप हमें क्यों दुख दे रहे हैं? आपने बादलों को क्यों रोका हुआ है? अपने साथियों को दुखी देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने कभी किसी को नहीं मारा, मैं निर्दोष हूँ। अपनी सच्चाई के कारण ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जल बरसाइए और सबको इस परेशानी से बचाइए, बोधिसत्व बोले। जैसे ही बोधिसत्व ने बोलना बंद किया, अचानक जोर से वर्षा होने लगी। तालाब के कीचड़ से मछलियाँ बाहर निकलकर बरसात का आनंद लेने लगी। मनुष्यों को भी कष्टों से छुटकारा मिल गया। सच में यह चमत्कार ही था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई हर दुख की दवा है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।